इंदौर स्मार्ट हो रहा है, कभी सड़क चौड़ीकरण कभी अवैध अतिक्रमण। निगम की कार्यवाही इंदौर को स्मार्ट बनाने की दिशा कई दफा देखी गई है, सराही गई है, लेकिन क्या रहवासी इलाकों के गार्डन पर निगम का जोर है? क्या उनमें होने वाली असामाजिक गतिविधियों पर निगम का बस चलता है? अगर हाँ तो जरा यह दृश्य देखिए, जहाँ सार्वजनिक उद्यान को किस तरह कब्जे में लेकर कम्युनिटी हॉल का रूप दिया जा रहा है। यह नजारा है वार्ड क्रमांक 80 के अंतर्गत आने वाले सुदर्शन नगर के गार्डन का। इंदौर निगम के अंतर्गत आने वाले में यूं तो 4000 गार्डन है, लेकिन सुचारू रूप से पब्लिक के लिए सदुपयोगी बनने वाले मात्र 2025 गार्डन हैं। इसका मतलब 1075 गार्डन ऐसे हाथों में जा चुके हैं जिन पर कब्जा हो चुका है। लेकिन आखिर यह कब्जा होता कैसे है, आइए सुदर्शन नगर के रहवासियों से ही जानते हैं। नहीं, ये तो रहवासी इलाके में होना भी नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि जो बगीचा रहे उसको जो चारों तरफ से के शेड को कवर कर लिया है, ये कहीं से कहीं तक कवर होना नहीं चाहिए। उद्यान रहे, उद्यान किस बात के लिए होता है ये तो आप भी अच्छे से समझ ही सकते हैं, तो उद्यान का ही उपयोग हो पूरी तरह से। ये इसको जो कवर कर लिया है उसकी वजह से लोगों की जो एक तो हवा रुक रही है, लाइट प्रकाश सब रुक रहा है, उसके अलावा ये कवर्ड होने की वजह से कई तरह की अवैध गतिविधियाँ होती है। हमने आवेदन भी दिया था कमिश्नर मैडम को, तो उसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर गेट पर ताला लगवा दिया। नहीं नहीं, किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं ली है इसके लिए। मेरे घर के ठीक सामने एक ओपन स्पेस हुआ करता था, ये आप जो अभी देख रहे हैं वर्तमान में, ये ओपन शेड जो है अभी इसको पूरा पैक कर दिया गया, दीवारें खड़ी कर दी, जिससे न्यूसेंस पैदा होता है। आए दिन इसमें कार्यक्रम होते हैं, पार्टी होती है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के विरुद्ध है। मेरे यहाँ वृद्ध अवस्था के लोग भी रहते हैं, मेरी माता जी है, हमारे पड़ोस में रहते हैं, हम सबको इस मामले में आपत्ति है। तो इस शेड को जैसा यथास्थिति में करा जाए जैसे पहला था, इस संदर्भ में हमने कमिश्नर साहब से निवेदन किया, उन्हें सारी चीज़ें हम दे चुके हैं, आवेदन निवेदन सब कर चुके हैं। हम जितने इधर के रहवासी, हमारा इसके लिए घोर विरोध शुरू से है। और जो आप कह रहे हैं कि पहले से नहीं बना हुआ है, पहले सिर्फ एक शेड बना हुआ था, ओनली शेड, दीवार तोड़ी गई, आप पीछे का गेट देख रही हैं, वो दरवाज़ा नहीं था, वहाँ दीवार थी। बगीचे का स्वरूप बदल दिया गया है, कितने ही पेड़ काटे उसकी भी मेरे पास क्लिपिंग पड़ी है। कभी भी कोई अप्रिय घटना हो जाएगी इसका जिम्मेदार कौन? माँ बेटियाँ सुरक्षित कैसे हैं? जन्मदिन पार्टियाँ होती है, मैं आपको निवेदन कर चुका हूँ, स्पीकर बजते हैं, डेक बजते हैं, जो अनुचित है। काम का एक नज़रिया तरीका होता है, और मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सब करें। नगर निगम की प्रॉपर्टी पर आप आए दिन आयोजन कैसे कर सकते हैं, और दूसरा किसी दूसरे को न्यूसेंस पैदा करने के बाद में वो कार्यक्रम सफल कैसे होंगे, बताइए आप। मैं पिछले लगभग 7 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। पहले ये सामने जो बगीचा था पूरा ओपन था, बड़ी अच्छी हवा आती थी सामने। ये मकान इसीलिए खरीदा गया था, यहाँ पर जमीन ली थी कि सामने बगीचा है, जरा रहने वहने की अच्छी ताज़ी हवा मिलेगी। परंतु आए दिन अभी कुछ 5-1 वर्ष पहले ये शेड बनाया था विधायक नीति से, तब भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि सिर्फ शेड बनने से कोई नुकसान नहीं था, क्योंकि बरसात के अंदर लोग आते हैं जाते हैं बैठते हैं, ठीक है। पिछले शाम जब अभी बगीचे का नवीनीकरण करा गया है, उस टाइम ये ऑब्जेक्शन भी लिया गया था कि शेड नहीं बने, यहाँ तो पहले सामने दीवाली बनाने वाले थे। ये जो आपको दिख रहा है पूरा शेड, यहाँ पहले दीवार बन रही थी, इसका पूरा ऑब्जेक्शन लिया है। फिर उस ऑब्जेक्शन के बाद इन्होंने कन्वर्ट करा पाइप के अंदर, पाइप के लिए भी हमने उनको रोका था, तो बोले नहीं ये तो कम से कम बच्चों खेलने के लिए है, परंतु खेलने के लिए हिसाब से तो प्लान करा था। उसके बाद आए दिन क्या हुआ, सामने से भी इन्होंने कवर कर दिया, पीछे दीवार बना दी। हमारे बुजुर्ग मम्मी पापा जो रहते हैं उनको हवा नहीं मिलती, अभी कोरोना में बहुत दिक्कत हुई थी हवा के कारण भी। यहाँ सामने 2 अच्छे बड़े पेड़ थे, वो भी कट गए हैं। हम ये चाहते हैं कि इसको वापस यथास्थिति में लिया जाए, जैसा था वैसा पुरानी स्थिति में, ये जालियाँ पूरे निकल जाएँ, सामने से पूरा खुल जाए, ये
उस हिसाब से हवा पानी जो रुकी हुई है वो चालू हो जाए। निगम आयुक्त को इस बारे में नगर निगम को कॉलोनी का पुराना नक्शा निकलवाना चाहिए और विस्तार पूर्वक देखना चाहिए कि नक्शे में ये क्या चीज़ पास है और अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, बस यही कहना चाहूँगा मैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार किसी भी सार्वजनिक उद्यान को निगम भी कमर्शियल यूज में नहीं ले सकता। वहीं सुदर्शन नगर के कुछ असामाजिक तत्वों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह सरेआम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का माखोल उड़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि निगम के अधिकारी और कर्मचारियों को इसकी जानकारी नहीं है। जागरूक रहवासियों ने इस संबंध में निगम कमिश्नर को ज्ञापन तक दे दिया, लेकिन सूचना के बाद भी अधिकारी और कर्मचारी भी हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं।